29 अक्टूबर जीवन में मंगल ही मंगल हो, आज है मंगलवार और धन त्रयोदशी। कुंडली में बनने वाले इंद्र योग से आज परिवार में खुशहाली आएगी, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए आज परिवार एकजुट होगा। लेकिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष सेहत खराब कर सकता है। धन त्रयोदशी पर भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा और हर राशि के साथ आज क्या खरीदारी करनी चाहिए विशेष आपको जानकारी दूंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे, कुंभ लग्न में शुक्र को नवम भाव में बाधक क्यों माना जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 अक्टूबर मंगलवार धन त्रयोदशी आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, धन त्रयोदशी की पौराणिक कथा, जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मैं चलूंगा। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से एक जगह पर कहा कि जब तक मैं न लौट कर आऊं तुम यही रहना, तुम इधर उधर मत चली जाना। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसे खाने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर उधर जाने के मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती है, इनको बड़े से बड़े धन्ना सेठ भी नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर की पूरी साफ सफाई करना, रंग रोगन करना, रात्रि में घी का दीपक प्रज्वलित करके रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन दाने से जैसा था वैसे ही रहा। इसी वजह से हर वर्ष हम धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 नवंबर को चंडीगढ़ हूँ, 10 नवंबर दिल्ली, 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर को बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 30 नवंबर गुड़गांव और दिसंबर महीने में 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर दुबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर आप सभी मुझसे टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आपको और आपके परिवार को धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:32 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:34 तक उत्तरा फाल्गुनी और फिर हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा बुधादित्यों का साथ मिल रहा है और आज इंद्र योग का साथ भी मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो एक बार है, वो भी दोपहर 12:15 से 2 तक लाभ और अमृत का चौघड़ी है। लेकिन दोपहर 3 से 4:30 तक ना तो आज खरीदारी करें ना ही कोई शुभ और मांगलिक कार्य करें। आज धन त्रयोदशी की खरीदारी के लिए पूजा के लिए विशेष मुहूर्त नोट कर लीजिए। सबसे पहले लाभ और अमृत का चौघड़िया है सुबह 10:49 से दोपहर 3 तक। दूसरा शाम का समय है प्रदोष वेला और यम दीप दान का समय है शाम को 5:54 से रात 8:18 तक। इस समय विशेष में आप खरीदारी भी कर सकते हैं, दुकान, घर, ऑफिस और फैक्ट्री में पूजा भी कर सकते हैं। एक और समय है लाभ और अमृत का चौघड़िया, ये शाम को 7:14 से रात 9:45 तक है। इस समय विशेष में भी आप पूजन और खरीदारी कर सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं।
ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। इंद्र योग के बनने से कपड़ा, ज्वेलरी, खाने पीने, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, ऐसे लोगों की आज चांदी होने वाली है। समय के बेहतर बनने से व्यापारी लोगों को आज लाभ की संभावना बहुत दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर टीम के सहयोग से आपके काम गति पकड़ेंगे। परिवार में कठिन समय में धीरज, धैर्य और संयम की जरूरत है। मुश्किल घड़ी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। आज प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला हल हो सकता है। एमटेक, बीटेक और जो लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए आज का दिन शानदार है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए आज संकल्प लीजिए। सोशल लेवल पर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज बेहतर रहेगा। समाज, परिवार, गली, मोहल्ले और घर के लिए आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे। ऐसे युवा जो खेल से संबंधित अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आज हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा और सुनहरे अवसर मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत में नरमी रखिएगा, वरना व्यवहार बदल जाएगा। सोशल और पॉलिटिकल लेवल को लेकर या उस काम को लेकर आज ट्रेवल संभव है। मेष राशि के जातकों को आज सोना, तांबा, पीतल की वस्तु खरीदनी चाहिए। घर के काम की चीजें खरीदना और गैजेट्स खरीदना बेहद शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आ रही किसी बड़ी परेशानी से आप आसानी से उससे निकल जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए और कंपनी की ओर से टूर पर भी जाना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से या उनके साथ आज आपका शेड्यूल काफी बिजी रहेगा। खरीदारी, पूजन और परिवार के लिए कुछ स्पेशल कर पाएंगे। फैमिली में आप अपने मन में चल रहे किसी दुविधा को शेयर करिए, दिल खोलकर बात करिए। सामाजिक स्तर पर किसी पर्सन से आपके काम में सरकारी मदद मिल सकती है। व्यापारी लोगों को मार्केट में अपने ब्रांड को प्रीमियम क्वालिटी के बनाने में आज थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। नए लोगों को जोड़िए और खुद मेहनत करेंगे तो दोपहर 12:15 से 2 बजे के बीच में अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। व्यापारी लोग हर काम को अपनी देखरेख में करें, मुनाफा बढ़ सकता है। सेल्स परचेस में, स्पेशली सेल में खुद को झोंक दीजिए। सेहत के मामले में दिन आपके फेवर में है। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सुखद समाचार वाला दिन है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी मेमोरी शानदार रहेगी। योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों को आज चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरी, ये खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। स्पेशली चांदी का एक सिक्का लीजिए और उससे गृहिणी से पूजा करवा के अपने पर्स या वॉलेट में हमेशा रखिए। मिथुन राशि, परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने गैजेट्स और अपनों में ही उलझे हुए हैं? परिवार को वक्त दीजिए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आज सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट देना होगा। आज के दिन बिजनेस पर्सन के लिए थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और व्यापारी लोगों को लाभ और हानि इस दोनों पर खुद ही विचार करना चाहिए। लाभ को बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वर्क प्लेस पर कुछ कमियों के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें सुधार लाने की बेहद जरूरत है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस के साथ सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए, वरना विवाद बढ़ सकता है। पॉलिटिशियन आज विरोधियों के जाल में कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। फैमिली में किसी मेंबर के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम का आज आपको सामना करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। ना चाहते हुए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अज्ञात भय के शिकार रहेंगे। मिथुन राशि लोगों को आज तांबा, चांदी, पन्ना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ रहेगा और अपनों के लिए कपड़े खरीदिए। किसी बुजुर्ग महिला को जो गरीब और जरूरतमंद है उसके यहाँ पर आज मिठाई आपको दे देनी चाहिए, खुद खरीद के आनंद आएगा। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा, कुछ स्पेशल कर पाएंगे। इंद्र योग के बनने से शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आज आपको बेहतर डील मिल सकती है। व्यापारी लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा और रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। आज खुद हर काम में देखरेख करिएगा। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम पर पैनी नजर रखनी चाहिए। ऑफिशियल काम में कुछ गलती, लापरवाही के कारण हो सकती है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाना होगा। फैमिली में बड़ों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट के हाथ सफलता लग सकती है। सामाजिक स्तर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। दान पुण्य की तरफ आपका झुकाव रहेगा। ना चाहते हुए भी आज यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको शुभ समाचार मिलेंगे, इसके लिए आज ही कुछ स्पेशल काम हो सकता है। घर में जल्द नन्हा मेहमान आने वाला है या नन्हा सदस्य आने वाला है। संतान अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही तो माँ बाप को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, पूरा सपोर्ट देना चाहिए। सेहत के मामले में गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कर्क राशि वाले लोगों को आज चांदी, स्टील और घर के सौंदर्य के लिए बर्तन खरीदने चाहिए।
माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहे इसके लिए घर की गृहिणी को ज्वेलरी दिलाइए और अच्छे कपड़े दिलाइए। 16 श्रृंगार की सामग्री किसी गरीब महिला को आप भेंट कर दीजिए, आप देखिए आपको पुण्य मिलेगा और आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, आइए चार राशियों बाद धन त्रयोदशी पर भगवान धनवंतरि का आशीर्वाद पाने के लिए आज एक विशेष उपाय करना चाहिए। ये एकमात्र दिन है जिस दिन यम देव की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु का भय अगर हमारे भीतर है तो वो नष्ट होता है। आज पूजा के शाम के समय उत्तर दिशा में एक लकड़ी का बाजूट लीजिए, उस पर पीले या नीले वस्त्र बिछाकर कुबेर देवता, भगवान धनवंतरि और मां लक्ष्मी के मध्य में स्थापित कर दीजिए। अब घी का दीपक प्रज्वलित करिए और बिना टूटे हुए चावल और पुष्प अर्पित करिए। कुबेर देव को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरि को पीली मिठाई अर्पित करिए। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः एक माला जाप करिए और साथ में संध्या के समय एक दीपक घर की चौखट पर जलाइए। कभी भी आपका अकाल मृत्यु का भय आपके भीतर नहीं रहेगा। और चार मुंह वाला दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाने से घर के ऊपर कोई भी नजर है, बाधा है, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा प्रिय साथियों, पंच दिवसीय या छह दिवसीय दीपोत्सव के विशेष कार्यक्रम में लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। सिंह राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझाइए। घर परिवार के साथ बैठकर बड़े प्लान करिए, लंबे प्लान करिए। जो लोग एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिव, इनोवेटिव काम से जुड़े हुए हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रॉफिट आज मिलेगा। होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट और साथ में फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों की चांदी आज होने वाली है। व्यापारी लोगों को कोई भी फैसला लेने से जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी फ्री होकर धन त्रयोदशी बना पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस के काम को पूरा करने में महिला कर्मचारी का सहयोग मिलेगा पुरुष को और महिला को पुरुष का सहयोग मिलेगा। सामाजिक स्तर पर नई टेक्नोलॉजी की सहायता आपको मिलने वाली है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हर जरूरत आप पूरा करिए बिना बोले हुए। परिवार की ओर से दी गई जिम्मेदारी को आप आज अंजाम तक पहुंचा लेंगे, सूझबूझ का परिचय देंगे और ईमानदारी से अपने काम को कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और खुशी की सौगात आप ला पाएंगे। आपका सोशल नेटवर्क आज थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए सोशल काम से आज दूर रहिए। समय को देखते हुए सेहत पर ध्यान दीजिए, गले की तकलीफ या फीवर आपको परेशान कर सकता है। सिंह राशि वाले लोगों को सोना, तांबा और आभूषण खरीदना बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ कोई जमीन का सौदा कर सकते हैं या फिर आज के दिन अपने घर की गृहिणी को वस्त्र और आभूषण का सुख दीजिए। गेहूं अपने हाथ से किसी गरीब महिला के घर में डोनेट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, मन को शांत रखेंगे तो खुशनुमा वातावरण बनेगा। फेस्टिवल सीजन पर होलसेलर हो या रिटेलर, आज चांदी रहेगी और अनुभव बेहतर रहेगा, रुके हुए पैसे भी प्राप्त होंगे। व्यापारी लोगों के दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। व्यापार में चल रही अस्थिरता आज थोड़ी बेहतर होगी। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज आज बेहतर रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अपने आप तैयार हो जाएं आज यात्रा के लिए। बॉस किसी महत्वपूर्ण काम में, मीटिंग में आपको शामिल कर सकते हैं। पारिवारिक विवादों को स्पष्ट सोच और सही भाषा के साथ निपटा लीजिए। वैल्यूएबल चीज, इंपॉर्टेंट चीजों को संभाल कर रखिए, घूमने या मिसयूज का खतरा है। सोशल लेवल पर आज पॉलिटिक्स के आप शिकार होने वाले हैं। इंद्र योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपके चेहरे पर खुशी आने वाली है। जंक फूड, स्ट्रीट फूड आपको सेहत की तकलीफ या डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर कर सकता है। दोपहर के बाद थोड़ा मन बेचैन और लक्ष्य से भटक सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, विश्वास कम हो सकता है, पैसे को लेकर झगड़ा हो सकता है। कन्या राशि वाले लोगों को आज पन्ना खरीदना चाहिए, तांबे और चांदी की वस्तु स्पेशली सोना खरीदना बहुत शुभ रहता है। और आज योगा मैट या फिर हेल्थ को लेकर कोई भी इक्विपमेंट खरीदना अपार कृपा आपको दे सकते हैं। तुला राशि, थोड़े कानूनी दाव पेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए इससे पहले कि कोई हमें फंसा दे। ग्रैंड दोष के बनने से ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, योगा क्लासेस, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, कैफे, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने वाला है। व्यापार में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, चोरी हो सकती है, अलर्ट रहिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ी बातों पर सहमति बन सकती है, छोटी बातों पर झगड़े फसाद हो सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। वर्क प्लेस पर चुगलखोर, भीतर घातियों से सावधान रहिए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। वर्क प्लेस पर आपकी पर्सनैलिटी बेहतर रहेगी और प्रोफेशनली काम कर पाएंगे। अस्थमा, हार्ट और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई बवाल खड़ा हो सकता है। परिवार हो या वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों पर आप आक्रोशित होने वाले हैं। आज घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता ग्रह कलेश पैदा कर सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर साथ जितना मौन और शांत रहोगे, क्रोध को काबू करोगे, उतने ही बुद्धिमान कहलाओगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी और की परेशानी में आप अपने आप को उलझा लेंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज चांदी, फर्नीचर, गैजेट्स और साथ में वस्त्र आभूषण खरीदना बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास करिए और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के बारे में सोचिए। खर्चों को कंट्रोल करिए। फेस्टिव सीजन पर बिजनेस में प्रोडक्शन बेहतर कैसे हो, नया स्टार्टअप के बारे में सोचिए। नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़िए। ये काम दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारी लोगों को डिसीजन सलाहकारों की मदद से और खुद के चिंतन से या मंथन से लेना चाहिए, तभी लाभ की डील कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपके काम बोले, विरोधी इसी ताक में आप कोई गलती करें। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम को लेकर बड़ी गंभीरता दिखानी होगी। टीम को लीड करने का मौका मिलेगा और व्यवस्थित काम करेगा। आप अपनी रफ्तार को कंट्रोल में रखिएगा, जोश में कहीं होश ना खो बैठे ध्यान रखिएगा। परिवार में अभी तक जो भी विवाद चल रहे थे आज वो समाप्त हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के बीच आज बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन को देखते हुए आज आपकी भागदौड़ ज्यादा रहेगी। जो लोग मेडिकल, लॉ और टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, टीचर, कोच, मेंटोर से या परिवार से। आज दौड़ धूप तो करिए लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ना चाहते हुए भी आज यात्रा करनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को सोना, तांबा, पीतल, घर की होम अप्लायंसेस की चीजों खरीदना और गैजेट्स खरीदना बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि क्या है धन त्रयोदशी का महत्व। धनतेरस को धन त्रयोदशी, धनवंतरी, धनवंतरी त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण पक्षी त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी के जन्मदिन को भारत सरकार का आयुर्वेद मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के नाम से भी मानता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। यथाशक्ति इस दिन खरीदारी करने से घर में स्थायी लक्ष्मी रहती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज धेनु धनु धनवंतरी कल्पत्रु शशि मणि बाज, ये 14 रथ निकले थे। इसके आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और अपनी सेहत को ठीक रखना चाहिए। इसी से जब सेहत ठीक रहेगी तो हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। तो आपको अपनी सेहत के लिए आज संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छी चीजों का प्रयोग करेंगे और आज के दिन पूजा करने से 13 गुना फल हमें ज्यादा मिलता है। धनुराशि, अच्छे काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। व्यापारी लोगों का स्टेटस आज बेहतर रहेगा और विदेशी कंपनियों से ऑर्डर जल्द मिलेंगे। सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ हो, आज आप बेहतर काम कर पाएंगे। जो लोग घर से बिजनेस करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोग हैं, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर या होटल मोटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोगों को आज बेहतर काम करने मौका मिलेगा। नया निवेश भी आज संभव है। वर्क प्लेस पर आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वही आपको धोखा देंगे। हमारी आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस के काम में व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी चाहिए वरना नाराजगी हो जाएगी। स्मार्ट काम करिए। फैमिली में किसी के साथ हो रहे मनभेद और मतभेद आज दूर हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक में कोई बुरी बात बोलने वाले हैं। डाइट को कंट्रोल करिए, पेट से संबंधित तकलीफें दूर हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको विदेश जाने के लिए, दूसरे शहर राज्य जाने के लिए, आने वाले दिनों में कहां पढ़ने जाना है इसके लिए रूपरेखा बनानी चाहिए, चिंतन और मंथन करना चाहिए। फेस्टिवल सीजन पर जॉब रिलेटेड आज यात्रा संभव है। धनु राशि वाले लोगों को गाड़ी खरीदना शुभ रहेगा। सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा। वस्त्र के साथ आभूषण घर की महिला को भेंट करिए और स्टडी मटेरियल किसी गरीब बच्चे को भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इंद्रियों के बनने से वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स के लिए शानदार समय है। आज प्रॉफिट व्यापारी लोगों का बढ़ने वाला है। व्यापारी लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव रहेगा तो एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से कॉम्पिटिशन भले ही हो लेकिन आप कॉम्पिटिटर को मात देने में सफल रहेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों को छोड़कर आज का दिन बेहतर है। सामाजिक स्तर पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, ध्यान रखिएगा।
फैमिली में कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो आज बहुत हर्ष और उल्लास का दिन रहेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर समय व्यतीत करने वाले हैं। भविष्य की चिंताओं से आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। योग प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी को वादा किया तो निभाइएगा जरूर, और ये आदत डाल दीजिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोगों को आज थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। किस्मत व्यापारी और नौकरी वाले लोगों के साथ में है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। मकर राशि वाले लोगों को गाड़ी खरीदना, सजावटी सामान, चांदी खरीदना, बर्तन खरीदना और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि। ददियाल से कोई समस्या आ सकती है, संबंध सुधारिए। अभी हालात पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसलिए समझदारी से साझेदारी निभाइए। इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करना चाहिए वरना घाटे का सौदा हो जाएगा। ग्रैंड दोष के बनने से इंटीरियर डिजाइनर, जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उन लोगों के विचार आज शुद्ध रहेंगे। कर्ज देने और लेने से आज बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर असंभव लक्ष्य को भी संभव बनाने में मदद मिलेगी। वर्क प्लेस पर भाग्य के भरोसे मत बैठना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी मत करिएगा, अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। किसी भी सभा में सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आप कुछ गलत शब्दों का प्रयोग आज करने वाले हैं। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ आज सिर्फ जो पार्टनर कहते हैं वही करिएगा। किसी कारणवश परिवार में किसी की तबीयत खराब होने से ट्रैवल पोस्टपोन हो सकता है। एलर्जी की तकलीफ या हार्मोनल डिजीज आपको परेशान कर सकती है। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज चिंता को छोड़कर चिंतन करने का दिन है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। कुंभ राशि वाले लोगों को गाड़ी खरीदना, सजावटी सामान, चांदी, स्टील के बर्तन, होम डेकोर की चीजें खरीदना बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा कुछ न कर पाए तो एक चांदी का सिक्का घर की गृहिणी से लेकर अपने पर्स और वॉलेट में रखना चाहिए, कभी पर्स खाली नहीं रहेगा। मीन राशि। समझदारी से दिन गुजारेगा, लाभ ही लाभ मिलने वाला है। नई डील हाथ लगने वाली है, नए ऑर्डर टेंडर पे काम कर पाएंगे और व्यापारी लोग ऊंचाई छू पाएंगे। और जो काम हाथ में लिया है सच्ची लगन से उसे पूरा करेगा। जो लोग ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं या डेली नीड्स का काम करते हैं, खाने पीने की चीजों से संबंधित काम करते हैं या कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, व्यर्थ की बातें छोड़िए, आपकी सेल बढ़ने वाली है, आप उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर स्मार्ट थिंकिंग नई पहचान दिलाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को काम की अधिकता के चलते ज्यादातर काम में भागदौड़ ही करनी पड़ेगी। फैमिली के साथ किसी कार्यक्रम में आप हिस्सा लेने वाले हैं। सोशल लेवल पर आपका मूड आज स्विंग होने वाला है। बीमार लोगों के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार ना हो जाए, इन्फेक्शन का खतरा है। फेस्टिवल सीजन पर लव पार्टनर लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए जेब ढीली होने वाली है। मन एकाग्रचित दोपहर के बाद नहीं रहेगा, थोड़ा सा घबराहट बेचैनी रहेगी आपको। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान को एंजॉय करिए, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। मीन राशि वाले लोगों को आज स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर, वाहन, सोने चांदी की वस्तुएं और गैजेट्स खरीदना बहुत शुभ रहेगा। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। कुंभ लग्न में शुक्र को नवम भाव में बाधक क्यों माना जाता है? कुंभ लग्न में नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य का होता है वो तुला राशि होती है, जिसके स्वामी खुद शुक्र है। भाग्य और धर्म से जुड़ाव कमजोर हो सकता है। भौतिक चीजों की तरफ, दिखावा, विलासिता की तरफ ऐसे लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है, इसलिए वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। कई बार मध्याह्न में 35 से 45 साल की उम्र में ऐसे लोगों को बहुत बाधाएं आती हैं। शिक्षा में रुकावट, विदेश यात्रा में रुकावट, अपने मकान को बनाने में भी रुकावट आती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो हनुमान जी को घर में बने हुए मोटी रोटी पर भोग लगाएं और वहीं उनके समक्ष अच्छा आसन बनाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, फिर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए। पाठ करने के बाद शाम के समय किसी गरीब महिला के घर में भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, अनाज और सब्जी की व्यवस्था कर दीजिए, दीपक दान कर दीजिए और हो सके तो मिठाई आज लोगों में बांटिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को दीपोत्सव की और मुख्य रूप से आज के धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। शांत और मन में प्रसन्नता रखते हुए दीपोत्सव मनाइएगा। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक पंच दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां पाए।
पंच दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी पंच दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।